छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया। यहां बीजेपी को कांग्रेस से खतरा नहीं बल्कि अपनों से ही खतरा नजर आ रहा है और इसका कारण है राज्यवर्धन वर्सेस राजपाल। देखिए, जैसे ही झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में यह घोषित किया गया कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ऐसे में राजपाल सिंह शेखावत के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर गए। राज्यवर्धन सिंह को बाहरी बताया गया और यह जो विरोध था राज्यवर्धन सिंह के खिलाफ, ये सड़कों से होता हुआ बीजेपी कार्यालय, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यालय लोग पहुंचे और इसका विरोध प्रदर्शन किया। तो ऐसे में अब झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। आइए आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं उसमें किस तरह से कर्नल राज्यवर्धन सिंह का विरोध हुआ है और राजपाल सिंह शेखावत के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। तो आपने देखा किस तरह से जो राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक हैं वो मैदान में उतरे हैं। देखिए, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो वोटर्स के लिहाज से सबसे ज्यादा वोटर्स इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। पिछली बार भी ज्यादा बड़ा मार्जिन इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहा था। लालचंद कटारिया यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो वहीं राजपाल सिंह शेखावत पर बीजेपी ने दांव खेला था। महज 10 से 12 हजार वोटों का अंतर पिछली बार यहां पर रहा था और एक बार फिर उम्मीद जताई जा रही थी कि राजपाल सिंह शेखावत को फिर से यहां पर प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हुई तो उसके बाद चौंकाने वाला जो मामला था ये सबसे बड़ा था। हालांकि विद्याधर नगर क्षेत्र से दिया कुमारी को मौका दिया गया और जो राजवी है, जो पहले वहां पर विधायक अभी मौजूदा जो विधायक है, उनके समर्थक भी विरोध कर गए। लेकिन विद्याधर नगर क्षेत्र के अंदर रार इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो गले की फांस है बीजेपी के लिए वो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र बन चुका है। और ऐसा ही एक वीडियो बीते दिन भी काफी वायरल हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस वीडियो के अंदर था, क्योंकि जोगनेत्र के अंदर जैसे ही राज्यवर्धन सिंह पहुंचे तो उन्हें बाहरी करार दे दिया गया। ये जो और काले झंडे उन्हें दिखाए गए, पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। आपने वीडियो में देखा किस तरह से काफिला, राज्यवर्धन सिंह का काफिला चल के आता है और वहां पर कुछ लोग राजपाल सिंह शेखावत के समर्थन में काले झंडे राज्यवर्धन को दिखा रहे हैं और राज्यवर्धन सिंह उन्हें मिठाई खिलाने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन ये जो राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक है ये मिठाई खाने से इनकार कर रहे हैं। साफ तौर है कि राजपाल शेखावत के समर्थकों को उम्मीद थी कि एक बार फिर से बीजेपी से उनको यहाँ से टिकट मिलेगा और वो मैदान में नजर आएंगे, लेकिन देखिए अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। राज्यवर्धन सिंह वर्सेस राजपाल ही नहीं बल्कि आशु सिंह सिसोदिया, जो पिछले कई सालों से लगातार झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक्टिव थे, तो उनको भी उम्मीद थी कि शायद बीजेपी इस बार उनको टिकट दे सकती है, लेकिन अब उन्होंने भी निर्दलीय लड़ने का फैसला ले लिया है। तो ऐसे में अब एक साथ इस झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में तीन राजपूत समाज के जो प्रत्याशी है वो मैदान पर दिख सकते हैं। हालांकि राजपाल ने यह नहीं कहा है कि मैं किसी अन्य पार्टी से लड़ूंगा या निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन अगर समर्थकों का दबाव होता है और समर्थक प्रेशर में लाते हैं तो हो सकता है कि निर्दलीय खड़े हो सकते हैं राज्यपाल। हालांकि समझाइश का दौर चलेगा, जेपी नड्डा आज उदयपुर में पहुंचे हैं, हो सकता है कि बातचीत की जाए, अपनों को जो अपने जो रूट गए हैं उनको मनाने की यहाँ पर कोशिश की जाए, लेकिन फिलहाल तो जो त्रिकोणीय समीकरण है झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का, मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा एक तिलिस्म बीजेपी के लिए यहाँ पर बन चुका है और अब इस तिलिस्म को
किस तरह बीजेपी तोड़ेगी यह देखने वाली बात है। द नगरी न्यूज में फिलहाल इतना ही, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।